प्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपके समक्ष हिंदी व्याकरण बुक अध्याय संख्या 10 और इस अध्याय का नाम है विशेषण लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये पाठ आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, आज मैं इसके प्रश्न उत्तर कराएंगे। प्रश्न 1, विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। प्रश्न 2, विशेष किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे यह काला घोड़ा है, यह काला घोड़ा है, इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? घोड़ा काला है तो इसमें घोड़ा की विशेषता बताई जा रही है, तो ये शब्द क्या हो गया?
गया। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? घोड़ा की। यह घोड़ा काला है, घोड़ा काला है। तो घोड़ा की विशेषता बताई जा रही है, तो घोड़ा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। जैसे गिलास में थोड़ा दूध है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? दूध की विशेषता, कि वह ग्लास में थोड़ा सा है, थोड़ा सा दूध है। तो दूध शब्द क्या हो गया? विशेष हो गया। दूध की विशेषता बताई जा रही कि वह थोड़ा है, और घोड़ा की विशेषता बताई जा रही है काला है। तो ये दोनों विशेष हो गया। प्रश्न 1, विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। प्रश्न 2, विशेष किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे यह काला घोड़ा है, ग्लास में थोड़ा दूध है। प्रश्न 3, विशेषण के कितने भेद होते हैं? इनके नाम लिखिए। उत्तर, विशेषण के चार भेद होते हैं। इनके नाम हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक, एवं सार्वनामिक विशेषण।
प्रश्न 4। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम। के गुण दोष रूप रंग काल और दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। प्रश्न 3। विशेषण के कितने भेद होते हैं? इनके नाम लिखिए। उत्तर विशेषण के 4 भेद होते हैं। इनके नाम हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण एवं सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न 4। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रूप रंग काल और दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। प्रश्न 5। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर जो सर्वनाम शब्द शब्द किसी संज्ञा से पहले आकार आकर उसकी विशेषता प्रकट
करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। प्रश्न 5, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर, जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है पार्ट 10 विशेषण के प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का अभ्यास करें। थैंक यू।